अबे पागल छे क्या तो ते मेरी गाड़ी मिल छे मन तो बैर छे क्या सुननी छे यार ये तो पागल छे क्या बनी था पता नहीं कब एजेंस रुस सुबह पिड़ी कहीं चाज मेर भी तो इपड़ी बनाने की झटपट बनाओ तो मैं बाजार पे जाना। अरे पिताजी अब भी तो मैं चाकू कि तुझे चूल्हा मरा की भट्टी सची बन ली चाहते चाह बन में भी देर लग दी जरा रुका दून। हाँ पिड़ी झटपट लियो मेरी मैं बाजार आता हूँ अभी और चौने झटपट लियो। तुम बैठे रहवा मैं चाह ली को दून। मेरे तो टोपा लियो मैं थोड़े बाजार बैठे ना मसाल मसा लियो लो आ साग बीज दिया क्या क्या लियो ठीक जी मैं ली कौन दूने अच्छा यख मैं बैठी थी चेक चूस खिसे ली होनी है और जो दिन प्रतिदिन ब्याह च बेणो को तेक कोई चिंते नहीं ए बलराज ये के बदतमीज जी ने हैं अरे मेरी नीचे मैं गरीब आदमी हूँ तो अन्य तो इज्जत कर तो कुछ अच्छा बदतमीजी जो तुम जिका ना शनि बदतमीजी राम पायर बेच बनो छः महीने में ना तुम पैसे नहीं चुके ना तुम रियाज दी नहीं ना तुम ब्याज दी नहीं अगर तुम नहीं दी ना तो तुम मेरे फंगड़ वगैरह सब कुछ हाथी दी होने अगर तुम मेरे फंगड़ हाथी होने ना तो तुम्हारा बढ़िया नहीं हुआ बलराज तो देखो ना बेच मैं गरीब आदमी हूँ अब जो कुछ पैसा था मैं तो मेरे बड़ी लोड़े पर इलाज पर लेकिन फिर राम पाल में बोली ठाकुर महाराज उन्होंने दो चार महीना टाइम दी दी मैं कुछ भी करो लो ने बोलते मैं फिर फंगड़ फाटा दे चुके तो पैसा को दी दियो बस अब हो गया मेरी खोपड़ी खा रहा पर पैसा नहीं मिले ना मेरा तो रामपाल भेज मेरे भ्रमण में जो चढ़ियो और नहीं मिले तो नौकर हो जाना बात खत्म। बलराज पर हद मरो तू क्या बड़ू खुली आजकल भूल गई क्या तेरी हिम्मत कन में मेरे पिताजी पर हाथ उठाने की। अच्छा तो जब तुम मान हो तो लियाज भूल ही सकता ना तो क्या मैं यहाँ पर पैसा लेना फिर लियाज नहीं भूल सकते ना। अरे वाह आओ आओ तुम्हारे से कमी एक दिन तुम्हारे राजकुमार सारा गुंडिया गुठार तो बिटिन क्या कूड़ा कचरा लीक तुम्हारे क्या फैक्ट्री थी नहीं बेदर खोली बोतल है खोली जी क्या असी बोतल देखना छिन फैक्ट्री जी पक्का भीतर खोली कचरे
देखा यख चौनो भरत मिलाप, अगर ते टाइम पर इसकी बाजी नहीं चल रही तो आज ही दिन देखना पैंट था। अरे अब सड़कियों फना बोतल चूसना बोतरी तो क्या तुम यू बढ़िया अच्छे लगनो? बोला बढ़िया अच्छी क्या यू लगनो? तो हाँ जी सोना पैसा तो दियो लेता भाई, दियो ला क्या दियो ने पढ़े ला। अरे मैं दोबारा यहाँ ऊँ ना पढ़ो, मैं तो ये बिंद कर दूँ भगवान से कि मैं यहाँ दोबारा नू पढ़ो। अगर मैं यहाँ दोबारा ऊँ तो बस तुम समझना जी तब ये ले ठी तुम आर नहीं मारता मीर वाण वा मीर वाण तब बेकार हो जाने। अरे मैंने चलो तन काम हो ये ले रख फिलहाल हम ठीक जी तब जय श्री राम दोबारा नून पढ़ो रे महाराज तब न थर तब बंडल। हेलो मैम, मैम आपसे कुछ बात करनी थी। मैम मैं एक राइटर हूँ और इस गांव के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। यहाँ किसी से कुछ पूछो तो कोई जवाब नहीं देता, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? ओके मुझे ना यहाँ के बारे में जानना है, यहाँ के लोगों के बारे में जानना है। क्या हम कहीं पर बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ सर पूछिए, आपको क्या पूछना था? मैम आपका गाँव बहुत प्यारा है, जब मैं यहाँ घूम रहा था मुझे कई तरह के लोग दिखे, उनमें से मुझे एक लड़की दिखी जिसके हाथ पे एक थैला, गलों में बोतलों की माला और दर बदर घूम रही थी सड़कों के किनारे। वो कौन है, ऐसी क्यों है, गांव वालों से पूछो तो कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो मुझे उस लड़की के बारे में जानना है, वो कौन है और ऐसी क्यों है? वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी दीदी है। क्या आपकी दीदी? पर उन्होंने अपना खुद का हाल ऐसा क्यों बना रखा है? आपने गज्जू मलारी और राजूला मालुशाही की कहानी सुनी है? हाँ सुनी है, ये तो उत्तराखंड की अमर प्रेम कथाएं हैं। तो ऐसी एक कहानी राज और रंजना की है जिसमें रंजना राज के चले जाने से अपनी सुध-बुध खो बैठती है। आपका मतलब है कि आपकी बड़ी बहन की एक प्रेम कहानी है जिसमें लड़का चला गया, लेकिन लड़का गया क्यों, क्या आप मुझे ये कहानी बता सकते हो? प्रीति भेगी तू तैयार, जल्दी चल रे देर छोड़े। मैं तू भेगी तैयार, पहला पुत भेजा। पिताजी का छिन दवा दिल थी तुम? हाँ दिल थी दवाई, पिताजी जरा माथे गो जाए का मीटिंग मा अफसर सर को देर चुमने की। हाँ चल ता देर छोड़े। सेंट जलो तू तो सेंट मैं चलो तू सेंट होना साइड के सी बीचे बीचे रोड हेटना अरे साइड मेटर तो बस साइड मां तुम ये था चोर रोने दिखोने सेंट हमारो धाना भी हम तो इससे क्या दिक्कत, हम सड़क के मां बीच मां हिटो या काकी भिटो तेरी बुबे भारी चोर।
अब तो 2 फुट अच्छी है ची ऐसा अलग है ना एक चमक ताज मैंने प्योर जल का पहने ताकर और तुम पड़ी ठीक ची अला मैं मानी तुम नहीं पकड़ बस आ मार मार ना मार बेटा जाते आ बड़ो चुना तो त्यां छोटो बने दियोल ही मैं तो डर गई इन्हें सुबेर सुबेर दिमाग खराब ना करे नौकरी हो जाने दीदी हट यार तू ये बिलड़े खत्म कर नहीं होंगी चमताल मैं दिखो तू चमताल कर मार दे ठीक है चार भी जाए तो चल पकड़ राजू मेरे को पकड़ ये पकड़ अरे रुक मैं बता दूं अबे रुक ना रे अबे छोड़ ना रे अरे मैं बता दूं तुम मान छ तू चमदा मैं तेरे चमदा भे निकाल दूं रुक जा आज तू तेरे बर्मन फोड़ दूं मैं बेटा तू मैं जाड़ दूं नहीं तेरे जन में कती सिन ठिकाना लगा है मैं छोड़ बंद अबे ये पकड़ ये छोड़ अरे छोड़ ना रे रुक तू तो, रुक तो सजा आज अबे बेटा रुक जा तू तेर जन मेर बहुत देखा अबे भाई रुक जा तू अरे वाह पहले ही मुलाकात में लड़ाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है फिर आगे क्या होता मैडम अरे पिताजी चूँकि अपने पाइप लाइन काम नहीं चलो तो मैं 2 दिन होर लगनी किले कि यौ लेबर तबियत खराब हो गए तो थोड़ा टाइम दे मैं होर लगन तब अरे भेज मैं भी पार्स जो ज्ञान सिंह को ताकि पैसों सिलसिला में तो मतलब तू 3-4 मिनट टाइम आएंगी ना रास मिली ना ब्याज मिली तो मतलब तू लड़की भी हो भी ची अरे लोग मतलब बिल्कुल लाचार था मैं कि मतलब थोड़ा टाइम दे देवा तो तब मैं इनके पहुँचो तब तुम बोला देख भाई धंधा माँ प्यार प्रेम रिश्तेदारी मेहमानदारी ये नहीं वही चैनन एक हाथन दी एक हाथन ली देख भाई धंधा मत दुनिया पैसा वापिस ना आऊ तो एक मतलब तुम्हार तोंदा गड़ी कोई भाई बंदी चा एक चीज याद रखी घोड़ा अगर घास दा गड़ी दोस्त करो तो तक घोड़न खान क्या चो यह न मतो सो भूख रह जा लो देख थोड़ा देर में विदाई कौनों को ते पिए छाने आज जरा थोड़ा गड़े पर प्रचार कर दिया है दगड़ी जितना आस हाथ लगना नहीं मैं किसी जीत ला तो फिर भी चले जो राम यहाँ आ रहे चल तब चल नम तब अरे विधायक साहब तुम दिखे लगे नहीं असुझा मैंने बाटा जब हम दिखो ना कुए तुम चिल पैट भी लम या कर तुम यूँ दे 10,000 रुपया तब भेजो तुम्हारे काम तब क्या कर तब अरे भाई तुम असुझा मैं जब लोगों को काम रहना चाहो तब अरे बहुत बहुत तन्ने मारवा जट कम से अच्छा आई उन गोने पुत्र ने सुना आई उनके बोर्ड देवण में से अरे बहुत तेज है अपर दादा दादी मां पापा सब पढ़े देलो जे 4 करोड़ देव तुम कहलर जाओ मां हमने पर तुम क्या करता चलो ठीक है दादा मां चल मैं छोड़ तैयार छन हां जेन जे ता बठियान तेसे तथा कुरकुर मिने में ए मैं दुकान से सड़क में चलो तो खूब प्रचार करने हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो चाय समोसा डिग्गू राणा चाय समोसा डिग्गू राणा क्यों पड़े हो चक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में बोल दीजिए हो मैं परे क्यों पड़े हो चक्कर में बोल दीजिए दीदी बोलियो बोल दीजिए हो मैं परे हां याद करी थे डिग्गू राणा जिंदाबाद 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 बहुत बढ़िया अभी एक साहब यक यक हाजी पड़े विधायक उठे
भाई नमस्कार। भाई जी नमस्कार। अब आर में फिर बिताया का छू उठियो को यो ध्यान रखे हुआ हमारा बहुत बड़ो सौभाग्य है जो आप हमारे घर ममल बल की वोट मांगना आते हैं ना ना तो मैं सीने मत आओ सी इधर इधर छोर का है कुछ कूर कर वाला जो प्रचार भर लगे बे तू क्या कर तू ना वोट ना कुछ पर यो काम है कैसा बेबा मत बोला कि थबर वोट दे सीधी के कन हम भी कम से लगना तुम मतलब यहां चितो ना बोले कि बस कुछ नहीं तुम बिल्कुल ना घबरा ये बार बिता कि तुम्हारी थी चाहे हम चंद का ठकन पड़े बस तुम जितोण से जितोण जितोण तुमने से भाई ये बार अरे मैं से नहीं आ रहे तो चैनल ना और क्या बस ना लगाओ बस डिग्गू राणा जिंदाबाद डिग्गू राणा जिंदाबाद हर घर में भरेगा राशन जब होगा डिग्गू राणा का शासन हर घर में भरेगा राशन जब होगा डिग्गू राणा का शासन अब की बार मोदी सरकार अब की बार मोदी सरकार अरे ना ना ये मोदी सरकार का खाना है या है की सरकार जी आप है की पार्टी चनी हम एक पार्टी है अरे वे क्या तो आए आशी अभी कर मोदी सरकार पे विधायक साहब मेरे जिम्मेदार ये बात जितन से तुमने जितन और की जितन अरे ना ना ये क्या यार खिचन लव स्टोर चन की प्रचार चन तो ते बोला वे ने बोलबो नब अरे विधायक साहब जरा चांद जाओ तो देखने करो यहाँ सीन देखना थी फिल्मों में एकदम फिल्मों में देखना सीन था कोई दिक्कत नहीं तुम टेंशन ले विधायक ये बार तुम्हारे से पक्का वही चांद जरा देखने करो तुम छोरू भी अरे विधायक जी जरा जाको दे तू अरे मैं जाको नहीं छोड़ दूँ कि विधायक ऐसे छोड़ दूँ तू जो आ दो तो सीन हेलो महाराज अगर वे वो तो मार पे चला था गाड़ी हेलो अरे पर तो सड़के में मन बचने छूते वहीं की आज आप फिल्म हो जाए रोमांटिक सीन चलो क्या चाहिए चल मेरे तो नहीं बस समझ में कुछ छोड़ो बाबू मैं कुछ गड़बड़ चलो गुना सो तुम्हें जरा फीस लगे छो न तुम जनो मुख लगो ना कोई शौक नहीं मेते हाँ अरे बे नबर खा ना पैण क्या चे मन मत कहें जेने के जो तुम्हें सुध रहना न चुप हो ना कुछ मेरी ये बात नजर रखिया वो की चौमुखी विकास कर लू और बाट घाट ये बने दियो लू कोई रड़ी ना पोड़ और टाइल भी छेद टाइल विधायक जी आज तक सिर्फ वादे हैं काम तो कुछ करी नहीं अपन जब आप ही हम पे नजर नहीं रखला तो हम उन भी कान के रखन और टाइल तब बाद में लगा पहले अन बाटा घाटा सही तो करे लिया अरे हम कहाँ से तुम नजर रखने वाला विधायक साहब तो क्या तुम परेशान करना अरे विधायक साहब यूँ बखास नजर रखो तुम बड़ा है मैं पे नजर रखने वाला आँख निकाली के ना पाताल में धर दियोल हला यहीं से बच रहे हो मुझे तू तेरी आशा लगनी थी तेरा आँखें क्या नहीं बेरे तो तब अब ये भरी जवान तुम अंध हो जाने सोचा था अरे मित्रों तुम्हारे प्रेम वार्ता खत्म हुई तो हम एक वार्ता चालू कर दो ना बिल्कुल बिल्कुल विधायक साहब चला चलो हमारा नेता कैसा हो विधायक साहब तुम कैसे बना हम दो छह कैसे बना थी हमन वन ठीक है तुम बोले लेके नहीं तुम जय बोल बोलो हमारा नेता कैसा हो बिग्गू बिग्गू राणा जैसा हो हमारा नेता कैसा हो बिग्गू बिग्गू राणा जैसा हो आज क्या तुम आंटी गुटी गुलो आंटी गुराना बोल दो सीधा हमारा नेता कैसा हो डिग्गू डिग्गू राणा जैसा हो हमारा नेता कैसा हो तुम्हारा नेता कैसा हो डिग्गू डिग्गू राणा जैसा हो हमारा नेता कैसा हो डिग्गू डिग्गू राणा जैसा हो भाभी जी प्रणाम विधायक साहब छूट बार ओहो विधायक साहब छे ना यहाँ विधायक जी प्रणाम 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 आप ये गौ महिला मंगल दल अध्यक्ष ना सुनीता देवी अरे वाह विधायक जी आप तो मेरे नौ याद छे पिछली बार मेला माता तुम उन्मुख पर गने आए भी नहीं छो और आज एक दिन मेरे मोहर पर हाथ जोड़ अरे भूली तो यार ध्यान नहीं रहे बोलू कहते काम हो पूरे सर से जब तुम लोग छन तब तो हम लोग छन तुम्हारे मोहर पर नहीं जाना तो कहे मोहर पर जाना बोल दो अरे भैब जी जरा अच्छा पैंट तो बनाओ कुछ मिठाई खटाई बोल तो मैं ले अरे हाँ मिठाई तो ले आई थी लड्डू खे दो विधायक साहब अरे बुल्ली बेहद लड्डू तो खाओ तुम लड्डू खे खे थे मैं बेकार चल गई मैं तो खाओ मोहन से बोलो ना देखना मोहन से बोलो अरे खे दिया दो विधायक साहब जी गरीब घर में खाना ना चिके बोलियो अरे बुल्ली बेहद लड्डू तो खाओ बार बार यो चीज खे थी बेकार चल गई न ते खाना मोहन से बोलो न ते देखना मोहन से बोलो बस अब लड्डू लड्डू कुछ नहीं खाए ना अब मन भरी गई बस तुम मेरे पर वोट दी जाए यदि गुजारिश तुमसे अब बस विधायक जी जिन्हें आप ते बार बार यो को मीठे खेते बेकार रहेगी
तनी हम ते भी यो कु विधायक बार बार देखी ते विकार जानेगी। विकास कर दा तो हम सोचा था भी वोट दियो ना बारह माँ, पर ना आपो कोई विकास करी ना कोई उत्थान करी, तो हमसे तो वोटे उम्मीद बिल्कुल ना रखा। मैं लगो दू बहुत जिन जवान फिल्म देखे शाहरुख खान ने, ते को परवा तो मैं पेणो। आज तक जब जब आपकी जरूरत पड़ी तब सिर्फ आपा पिए दिखेन, आप तो यंछा होया जन ईदा चांद वाला, तो अब पड़ी आप तो जनते जरूरत तो एक इन मोर पर कि कर्मठ जुजारू संघर्षशील नेता ते वोट दे ते विजय बनाओ। यंची मेरी तरफ से तो नाच ही नमस्कार। तुम विधायक जी तुम उन्हें आज देख ले बोले आप बहुत दिन पहले घर इन्हें खैरी चलो तभी अनुभव नहीं होने क्या कर सकते भाई जकल क्या कर हमारा नेता कैसा हो डिकू राणा जैसा हो हमारा नेता कैसा हो डिकू राणा जैसा हो। न्याणा क्यों नहीं आज जब दिन है मचे खोई हूँ ये हमारे कहने पक्का बास में करेला कर भाई साहब जवार बेटे से बाहर देखना तवार बेटे उठी दी भगत खांदी भगत छेंदी भगत हर जगह से आज दिखी होनी रूप ती गंज जन आछरी जन और बुराणियन जन चासरी जन ते की आँखी नाकी और सुछविलो बदन यहाँ लगो दू जन भगवान बड़ी प्रसन्न बड़े बस ये भी जानदार अबे छोड़ अबे मैं छेनू अबे प्यार में पागल से अब देखे मैं परिया ना बापा भाई सॉरी यार भाई मैं ना आपसे हर जगह दिखोनी और तो और तुम विषय से दिखोनी अब पार दे दिया भाई या लगन से हमारी तरफ लोनी अबे प्यार का अंदा आंख खोली दियो के अब आ सच में जी उनसे हमारी तरफ होनी ओहो क्या बात का खोला लड़क लोग बढ़ लगे मैं ते ना रातो नींद चोणी न दिन में भूख च लगनी अजीब सी कबलाट चोणू बिक्या वे बोल ब्योड घरे में तने पड़ गए तो ब्योड जावा बंगाल में तो निकलेवा और थे पियावा ठीक जी मेरी भूली बोल दी कि आमी पहली चाहनी रे ये आंखी अब के देखो जानी रहंदी ये लटुली अब बिन बथों की उड़ानी रहंदी पुतलियों को गुमड़ा अब प्रेम गीत च लगणु ये हुटड़ी अब माया गीत गुनगुनानी रहंदी यानी कुछ हाल आजकल मेरे भी वही छ गीत रंद में गुनगुनाणू शायद मैं तो बुखार वेगे पर दगड़े में और बोल चा कि फिर ते बकोल वाल प्यार वेगे अरे वाह 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 दो दिन वे नहीं मिलिया यूं तो सब प्यार वेगे पहले कायर था अब ये सायर वेगे तू आलू की भुजी में फुक्यो प्याज जन पुंगड़े का बोला पा उग्यो पिछू घास जन कभी ते जबान पर मिठास तलियो जब भी देखा कड़वा हटे रन बोनू मिठास बैर चिखाई मेरे जलिए तया बेटी देखो मैं प्यारा पागल भी सब इन पर यो यख बेटी तया बेटी तखांग लड़ो यो यख बेटी देखो तखांग लड़ो ये न कर ते से बढ़िया ये के बेटा छी तेरा मुख कहन लगा तो ऐसे बातें कुछ कनु ये प्यारे से मुख कड़ी फट गुस्सा छोड़ने को जरा हसीत है जो तक खिलपत कर दिया ब्याले रात 8 बार तदनी टूटी 6 बार उठी छो और 3 बार पानी पी और 12:30 पर कबलाट हुए और 4 बार अपुड़ ईस्ट याद करी
आ दुई बार हिचकी लगी इतिहास सब होने का बाद एक बार तो पूछ ला। अरे तुम पका गाड़ो में शांत नहीं लेगे जो भी काम करना आठ आठ छह बार अब ज्यादा क्या बन समझे जुला तब बात कर ला निथर टाटा। अरे यार भाई शायद फोन चले गए पर सब बन के जाने तेर समझ में कुछ क्या इशारे से कहने से अबे नहीं आते यार समझ में यार क्या कैसे बोले यार भाई कोई दिक्कत यार मैं पसंद में यार समझ में पूरे के ठीक छे तो सुन आठ बार तो नींद टूटी छह बार उठ ची और तीन बार पेड़ पिए और बारह बजे तीस मिनट पर कब लूट मैच और चार बार दिया तो पुकारी दुई बार बोले हिचकी लगी कम से कम यो बार तो पूछ दे यार तू भाई समझ गया बोले यार तू तीन जो भी क्या बोलते मैं पूरा से दस नंबर छा न तेरा फोन में डायल कर दियो चल मैं ट्रू कॉलर पता कर दो ना ठीक ठीक अबे अबे भाई सच में तीन नून यार भाई यार वाह यार भाई वाह मार गए थे आज भाई चल ये बात उठे छोला समोसा कौन खाना चाहिए छोला समोसा अरे वाह चल तो चल 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 ना मर में मिल गए थे हां चल 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 ठीक चल भाई चल चल बात ची आजकल रंजना मुखर खूब चलकार चाहिए केगा ख्याल में वो लिखोई चलकार नहीं हूँ आजकल मैडम प्रेम सागर मचे डूबी थी ईद ईद कभी नहीं पता कि अब आका मुँह नहीं खड़ी। अरे जानी का उबाल में यू सब लाजमी थी प्रेम को कीड़ू जब काट दे ना तो दिन दिन नहीं लग रही न रात रात लग रही बस हर जगह हर पल हर केमा देखी अंधार दिखी जो मन में बोलू बस आयु भाभी आप अभी तो लव मैरिज तो पहले यान बतावा प्यार का कब शुरू हुए प्यार की शुरुआत तब हम 11 में छा जब आप मिलीन तो 11 क्लास पिटिन और कॉलेज तक लगभग 7 साल तक हम एक दूसरा का प्रति वफादार रहे। क्या 7 साल इतना लंबो टाइम तक इंतज़ार करे आपन एक होना को अगर प्यार सच हो और इरादा नेक हो तो इंसान 7 साल क्या 7 जन्म भी इंतजार कर सक दूँ। अरे भाभी जब संजो बोलू तक हमारे जान होंगे अब के को इंतजार कर के कबाना भी होना कन इस सब तो अफ पर बात छे के भी रिश्ता माँ सबसे जरूरी चीज छे विश्वास और धैर्य तेरा भेजी इतना पढ़िया लिखा होना बावजूद भी बेरोजगार छा ते दौरान मैं कई अच्छा अच्छा रिश्ता इन लेकिन मैं तो तुम्हारी भेजी काबिलियत पर पूर्व भरोसे छो तो मैं तो इंतजार करी और धैर्य राखी तो जब तो अपन बिजनेस स्टार्ट करी वे का बाद हम एक लंबा इंतजार बाद एक वे आप तो देखिए यानी लग दू कि आप आज भी तेज जोश और उमंग का दगड़ी एक दूसरे से प्यार करता हो और आप पे जुड़ते तो क्या बन आ हा हा के लैला मजन से कम नहीं और नहीं तो हम हमेशा एक दूसरे से समझदन और हमेशा एक दूसरे का प्रति ही सोचदन तेज वजह से हम एक ही जन रहन तुम दू कि खत्म वेग बिल तो घर भी जान देव चुमी की Thank you.
हाँ जी सुबह बेटी फोन छोका नो फोन के नहीं उठना अरे यार बहुत बिजी छु यार आज बहुत काम छु यार फोन मेरे भीतर छ छोड़ियो श्यामत खान सुन मम्मी ने जा टाइम पर हाँ हाँ ठीक छ मैं जरूर रोल हाँ ठीक छ आखी सुर म्याली बोली जा आँखों मा तेरी मी बस्यो सुपन्याले तेरी रात्यो मा आणो जाणो मेरो ही लग्यो राज ना रखे कुछ आज ना रखे कुछ राज ना रखे कुछ आज ना रखे कुछ जाहिर सब दे तू कैर हाँ कैर बोली दे दिल को हाल लठली मैं मा दिल मा और अब ना धैर बोली दे दिल को हाल लठली मैं मा दिल मा और अब ना धैर भैर बोली दे दिल को हाल लठली मैं मा दिल मा और अब ना धैर बोली दे दिल को हाल लठली मैं मा दिल मा और अब ना धैर
लकुहाल लटली मैं माँ दिल माँ और अब ना तैर रंजना ते चंदो को चाय ले तो मेरी मैं सारी पेंट खुजली कखी नहीं मिली सुबेर तू ने खोल दसो कख धर तू चाबी को चाबी मैं तो नहीं गाड़ी कोई चाबी अरे सुबेर मत वी दिल्ली की थे पिताजी का सिरवान बैठे मैं अभी तक खिमो तो थो अरे यार तुम जी में दगे मजाक ले रन करना मेरी मैं तो मजाक तो करने को तो ये छोटे छोटे बात दिल बनने लिए तुम दी बातें तन छकना तो बुरो नहीं लगन क्या अरे दीदी हम दुई ते मजाक था करना का तू तो बुरो मान गई अब हम दुई दीदी ते मजाक भी नहीं कर सकता कभी कभी मजाक में बोली चीज भी दिल पे लग जाती पर सिरा संकार नहीं मिली ते तो भी मैं था पूछना ब्याली चा भी नहीं मिली ते तो भी मैं था पूछना बुरो नहीं लगन तो क्या लगन मेरी तो ये छोटी छोटी बातों को बुरो तो मैंने मजाक भी अपने दगड़ बन देने तो सच चांदल में क्या ते दिल में लो पिताजी हम दू ते तन नहीं बोलू चैन छो दीते से बुरु मार गए हम उन दीते एहसास नहीं मोड़ दिए उनकी दीते कुछ भी मारी चे अरे आज तो बहुत उदासी लग रही क्यों बे पता नहीं यार मेरा घर वामी दगे मजाक के लिए रन करना एक दिन रात संकार हर जी ते तो भी मैं था पूछना अब यार चाबी नहीं मिली ते तो भी मैं था पूछना अतब बोलता कि हम मजाक रन करना अरे लठियाली तू यान छोटी छोटी बात पर रुसा है ना कोर अरे घर वाले तो मजाक करने रहना ये को मतलब यान नहीं कि तू बात पर नाराज हो जा घर वाले बातों पर कभी भी नाराज नहीं होना कभी कभी यान लग दू कि जिस मजाक रन करना सच्ची हल बोना पता नहीं यान के लग दू कि के ना के चीज जिम्मेदार तमी छे छो अरे तन कुछ नहीं तो बस ज्यादा सोचा ना कोर घर में ये सब बात होनी रहने अब तक गांव में भी हम दुख बार में बात हो लेंगे जखना तक देखा लोग हमारी छुई रन लगुना का कि लेना हम अपू घर अपू बार में बता दिया ताकि लोगों ते बुनो मौका ना मिलो हाँ ठीक जी मैं घर जाके पिता जगड़ बात कर लूँ तो फिर तू के बिजार रन सुतवे पता चल कभी कभी यान पता नहीं किरा लग दू कि जो मेरी खुशियाँ चे से सदन या नहरुली किला कि जब भी मेरे जीवन में सब कुछ ठीक जानू रहनू कुछ ना कुछ गलत हो ही जानू तू चिंता न कर सब ठीक हो जाओ पिताजी आपसे एक बात कन थे क्या बात कन दो पिताजी उम्र भी लगभग वे गए अब ब्योग तैयार कर दन मेरी ब्योग तैयार तो कर रहे ना पर पहले हम से जान बीते देखे जान कि बर घर हमारे लायक भी चुके आप वर की चिंता ना करा पिताजी आप यान समझा कि वर मिलेगे आप बस बातें आगे बढ़ावा और कन्यादान तैयारी करा अबे तू क्या ब्योग मजाक चल लगी कि लड़की चट देकर चट ब्योग कह ले पहले तो खानदान लेवल दे कि लड़की क्या कर दे क्या नहीं कर दे लेवल क्या और से क्या कर दन ये तो हेकत नीचे दिखाने वाली बात वे अगर सामने वाले हमारे समझ में होनी और से यहाँ पर विश्वास करना चाहिए ये से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी तन ठीक से बनी पर कई गाँव का छना कुछ तो आता पता तो होनी चाहिए पहले तब जाते मैं तक जाते बात कोई थर बड़ो दिलाड़ गाँव का रामपाल जी का बेटा राजू पुंडीर जो मैं पसंद से अपन बस तक जान अब बात करी क्यों देख दा से क्या बोलता देख भाई मैं धंधा कर दूँ वहाँ पर परछाई पर विश्वास नहीं कर दूँ तो मैं तुम पर क्या विश्वास कर जब तक सामने बैठे थे बात नहीं हुई तब तक मैं ना हाँ बोल सक दूँ ना बोल सक दूँ ठीक जी मेरा जन बात कर और थी मैं बोल लूँ कि अब बाप बताए मेहनत है बीच हेलो हाँ जेसीपी है गए भाई हाँ ट्रक बीच सर आएगी ना सीमेंट है गई हाँ पेंट भी तो कोई हिसाब चाहिए भाई मैं आए और सुबह ब्याज या पैसा क्या हुआ यार ठाकुर साहब प्रणाम और कुछ काम तो तुम जमीर प्रणाम प्रणाम जरा मैं फोन पर सुन लगी भीतर बैठा
हाँ जी, क्या काम था आपको? हाँ ठाकुर साहब, क्या मैं यहाँ सोच भी नहीं था कि मैं तुम्हारे अपन आने जान बोलूँ, पर ए चौदह मर्जी हैं कि हम तुम चाहे सो एक रिश्ते में बांधना चाह। ए चौदह मर्जी तब देख ला, पहले हमारी मर्जी तो देख लिया वा। हाँ जी ठाकुर साहब, ये हंस कि जब मेरी बड़ी नाइन के चे तो मानो ना पसंद कर दे, अच्छी दुई आपस में नाचन तो अभी कर दें कि जब से हम पसंद से तो हम दुई भी आप बहु बहनों फर्ज नहीं बुना। जन आप सुने आप लड़की फिकर छे ताने हम भी आप लड़के फिकर छे, एक मतलब थोड़े ने हम कहे एरू गैर दगड़ आप लड़के शादी कर दियो। अजय ठाकुर साहब, ये एरे गैर के मतलब जब दुई बच्चों पसंद आपस में तो हम तो मन के पेड़ बीच में इंसान से नहीं अपने हैसियत देखिए काम करूं चैन कख तू कख मैं। अब दुई कोड़े आदमी तू मेर मुँह पर कनकाए मेर निर्णय लगते ही बुआरे मेरे दोस्त की लड़की छे तेकु लाखों करोड़ों कारोबार छ, ट्रक चलदन, बस चलदन, गाड़ी चलदन, तेरी हिम्मत कनक होने की। अरे ठाकुर साहब, मैंने उन्हें ना ये था विश्वास पर भेजो मैं यहाँ तो मैं चाहते माफ आया दिन गलत और मैं तो क्या पता था तो कि तुम वहाँ पर दौलत है घमंड पर रोला। अबे तू छो क्या चीज बिना जाने तो रिश्ता कनाए मेरा बारे में कहे और से पूछ लिए तब जाए थे रिश्ता कनाए। हाँ जी ठाकुर साहब, मैंने क्या पता कहा तुम्हारे बारे में, तुम पर तो पैसों घमंड पहले थे देखने के यू घमंड कैब ना कैब टूट जाओ। अबे आप बड़ो घास भरा मेरे घर में तो उल्टू सीधू बोनो मेरा ना अच्छा अच्छा गायब सुन कर मेरा बारे में का एक रार तो सुन बोल तो ना। अगर अपन लड़की भलाई चाह दो तो तेन लड़की बोल के मैं लड़का से दूर रही, अगर बोला कुछ लड़की थे वो तो एक जिम्मेदार तू। हाँ जी ठाकुर साहब, तुम मैं कैसे सोचना तो मैं बच्चों के दोस्त हाँ? देखो बच्चों तो कुछ नहीं बिगाड़ी पर तू ही ना बड़ी लोड़ी नहीं समझाई तो बहुत कुछ बिगड़ जान, जा चुपचाप अपने घर जा। पिताजी आप इतने उदास के लिए छिन? पिताजी भी कैसे तक आप कुछ बनना के लिए नहीं? मेरी मैं सोचता हूँ कि मैं अपने नौने कन्यादान कर लूँ तक बड़े घर बार मिल लूँ, पर तक मन की नहीं रहना मेरी तक खाली पैसा का मन नहीं चना तो नजर में हम दुई कोड़े मन के चना क्या कर मेरे। अब पिताजी आप बनना क्या छिन साफ साफ बताओ तक भी क्या छ। आज तक एकदम बुरू नहीं बोली एक आत्मा समान तो ठेस नहीं पहुँचाए, पर आज ते मन के मई तो दुई कोड़ी बोली और अपने घर में बहुत बेइज्जत कर बेटा। हेलो। हाँ जी। एक विश्वास का साथ मैं अपू देवता जन पिताजी तुम्हारा घर भेज छा और तुम उन्हें अपमान करे। अरे जब जली लेकन छो तो घर बुलाने की जरूरत छे, साफ साफ ना करे देंदा। अरे मैं तो जरा घर से बैठ से गई घर पहुँचने वाले मैं घर में क्या है मैं कुछ पता नहीं। काश के तुम तो कुछ पता हो। हेलो हेलो पिताजी, रंजना पिताजी ऐसा क्या बात कर? हाँ आए तो अपने लड़की को रिश्ता लीक और आपन तो लड़के बदतमीजी करी। अरे बदतमीजी ना ना मैंने कोई बदतमीजी नहीं करता दगड़ी ते दुई कोटे इंसान दगड़ का ना मनती हो रिश्ता।
पिताजी इंसान की हैसियत ना गरीबी से नहीं तुली चैन, भले तुम हम जन खाना को लाना नहीं, कम से कम तुम मानवता को व्यवहार तो ची। अबे तो ठाकुरों को नहीं आल हो एक थाई गरीबों गुण गाणो देर दो मेरी दोस्त की लड़की चंदा ब्यो कर सेटल हो जा। मैं रंजन दगड़ ना बहुत प्यार कर दू, अगर ब्यो कर मैंने थी दगड़ कन ते कल मैंने के दगड़ ब्यो निकन अना मैं एक जरूरत छी। अबे तक जा देर दो तक मेरे दगड़े च ते कंपनी में तो एक मैनेजर है नौकरी च और ते की लड़की दगड़ ब्यो कर तक सेट हो जा। ना मैं क्या जानू छू और ना मैं रंजन आलो हो चैन, अगर रंजन तो कुछ गए तो मैंने भूल जाने कि हम दी बाप बेटे रिश्ता छी। एक मन से प्यार को बहुत भगवान पड़ोल तब जे की इन मेरे बात मान। हेलो क्यों भैया कौक पर तो लुटे थे। पिताजी हम जरा बाजार था जाए टेलर में और घर अंदर वक्त टरक वाले दीदी पट्टा कर मार देने और दीदी पर जरा चोट लगी गई, हम तो अब रिसाइड से जाना पर टरक वाले की गलती जी। अगर अपन लड़की भलाई चाहो तो तेन लड़की बोल के मैं लड़का से दूर रहे, अगर बोला कुछ लड़की थे वो तो तक जिम्मेदार तू चल। तो ठीक है बेटा यान कर ये तो बिता ले जा बेटा तो थोड़ा आराम कर। अरे आप पढ़ा। हाँ बेटा तो राम बालो ने आते। हाँ जी मैं रंजन ना आजकल फोन फान ना कुछ ना दिखने से क्यों बोलो मेरा हम तो कई गुनाह साझा से तुम जाना मैनू ने क्या बिगाड़ तुम्हारो चाहे तो तुम माँ पर घर बार संसार चाहे देख दी। मैं आपसे माफ़ी मांग दूँ पिताजी ने आप दगड़ी बहुत गलत ब्याह करे और ना मैं ये बात बहुत अफसोस भी छी। मेरा ब्याह तुम्हारे बाबा ना मैनू ने मरोने पूरी कोशिश कर दे पर मेरे क्या चाह पर इष्ट देव से तो ते नजर लगे ली तो ते पर हल्की फुल्की चोट लगी बेटा और अब तेन बुला तुम कुछ कर ला तो मेरे कुछ तो कला मेरे तो तुम नोने नो जना मैं अब आ गया तुम गरीब आ तुझे क्या पिताजी रंजन मरोने कोशिश कर। मेरा मैं नोन पर थोड़ा चोट जो लगी से घर में तो पड़ेगी पर जो त्यार बाबा ने पैठ से धमकी दिन थी कि अगर तुम नोन में आज दूर नहीं रखी तो मैं बुला के कुछ कर दियो और तेन पूरी कोशिश कर दे मेरा मेरा तो मैं नोने बारे में क्या सोचा था। मैं रंजन से बहुत प्यार कर दूँ और हमेशा तीन तक खुश देखना चाहता मैं तीन तक कोई चीज़ कमी नहीं मानती। अगर तू तेन से सच में प्यार कर दे तो मैं नोने जिंदगी से बहुत दूर चल जा ताकि मैं नोने अपनी खुशी से रोल मेरा यो नोने बाप तो मैं हाथ जोड़ दे भीख मांगने को मैं नोने जिंदगी से दूर चल जा तेन भी तेन बिसने भी मर जा मेरा दो चार दिन में से तुम बिसर जा ले। अब मैं नहीं चाहता कि बोला मैं नोने की जिंदगी बेकदर हो ले मेरा मैं कभी कभी बुरू नहीं चाहे मैं लोड़ से धमकी से जाना का मैं लोड़ी बेकसोर से तेई पीछे छोड़ जावा। ठीक जी जनाब चंदन तनी बोल मैं रंजना से दूर जाना तैयार छू ताकि रंजना सलामत रहो मैं खुद ही खुश देखना चाहता अगर मेरे जान से खुश रहें तो मैं थी से दूर भी चल। ठीक जी मैं जान छू केते और मुख लटकाई पिताजी आप चाहते ना कि मैं देहरादून नौकरी पर जाऊँ। ठीक जी मैं बुला जाना चाहूँ। हाँ अब आए तो ये अकल ये वही ठाकुर वाली बात उन्दु जान नौकरी कर आराम से। पर याद रखे रंजना और वे के पिताजी थे कुछ भी नुकसान में चाहे ये तो तुम मेरी बिंद समझा या फिर चेतावनी। अबे तू छोड़ अपना काम धंधा पर जा और मस्त रहा मगन रहा।
आखिरकार जौन मैंने सोचता हूँ तैन हो गए म्यूर नोनो लाइन पर गए। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ। बलराज राज कब से न तेगो बी आरबीटी न कोई कॉल आए न कोई मैसेज अमी फोन करूँ तो फोन स्विच ऑफ हो क्या सो इतिहा भी जिस का काम मा जो ते फोन उठनो भी टाइम नहीं। अरे सो तू चल गई थोपा थे नहीं मैंने तुझे तैयार की थोपा था बोलो ते पापा समझ ना तुझे बढ़िया नौकरी मिल गई क्या सो नौकरी पे चले अतेन में बताए भी नहीं एक बार फोन तो कर दें दू। अरे यार तू देख पापा जी थे मैं क्यों मतलब तेन जॉब तक कर एक लड़की भी तक पसंद करी थी तो लड़की सुंदर वाण ते मतलब पसंद करी बोल रही तो लड़का बहुत ज्यादा पी जाना न्याय रखो भरोस नहीं थी तो अगर लड़की मतलब सुंदर बोलते हैं तो तब बोले सब यार मैं कि लड़की बना राज मैं तो छोड़ो मेरा रास्ता या नीचो यार तन तब तक मन न तू इंजानी न मैं इंजान की तक मन मचल को तो तन भी लड़कों को भरोस नहीं थी यार चल ठीक यार मैं चल देना बारे तन मैं सुने बहुत बुढ़ लगे यार ठीक है यार तह हाँ बल लड़की तो जगत है नौ। हाँ जी नमस्ते आप राज का पिताजी छिन सुराज सच में चली गई परदेश बिना बताया। अरे मैं बोलता ही था कि परदेश जा मेरे तक तक थे नौकरी ढूंढने की और ताकि बुआरी ढूंढ यार मैं बोल के ताकि सेटल हो जाओ। बुआरी ढूंढी मैं दगी तो मन बचने का सम थे खाई कोई इतना खुद खर्च का नहीं भेज सक दू। अरे जा जा कख राजा भोग कख गंगू तेली और तुम जन दगड़े अमन रिश्ता कन क्या हम उदगे रिश्ता करने नहीं छो तसे सो करा के ले करी क्या हम कोई आत्मसम्मानित हम खाली टाइम पास ले जे। अरे जिधा चादर होए जाए ना तथे पैर पसारे जाए ना हट हट जा। सदमे से इतना टूट गई थी कि वो मानसिक रूप से अपाहिज हो गई थी और आज भी वो दर बदर घूमती रहती है वो क्या कर रही है क्यों कर रही है उसे खुद भी नहीं मालूम और ना ही हम उसे घर के अंदर बंद करके रख सकते हैं क्योंकि एक बार हमने उसे बंद करके रखा था और उसने अपने को ही नुकसान पहुँचाया। उसे अल्जाइमर था और वो चीज़ों को धीरे धीरे भूलने बैठ गई थी उसकी ये बीमारी के कारण और लड़के के चले जाने के सदमे से आज उसका ये हाल है। इस प्रेम कहानी में क्या दोनों फिर दोबारा नहीं मिले लड़का एक भी बार लड़की से मिलने नहीं आया आज तक तो आया नहीं आगे भगवान ही जाने। इस कहानी में दो प्रेमी मिले दोनों ही जुदा हुए तो क्या इस कहानी का अंत है या एक नई कहानी का प्रारंभ क्या दोनों दोबारा मिलेंगे। ना ये कहानी का अंत है ना ही प्रारंभ ये इस कहानी का विराम है जहाँ ऊपर वाला मुड़ेगा वहीं मुड़ेगी। Thank you.
राज, राज, अरे रंजना तू इनके हार बनाना पड़े कहते हैं सच्चे प्रेम को कभी जुदा नहीं किया जा सकता। जैसे दूध से उसकी सफेदी को, नदी से उसकी लहरों को, सागर से उसकी गहराई को और गगन से उसकी ऊंचाई को दूर नहीं किया जा सकता, वैसे ही सच्चा प्रेम करने वालों को कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता है। प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है, और जहाँ दिल लग जाए तो चाहे वो किसी भी हाल में है, किसी भी चाल में है, इंसान उससे अपना मोह छोड़ नहीं सकता। इस प्रेम के लिए जंग लड़नी पड़ती है, चाहे इतिहास उठाकर देख लो या इतिहास बनाकर देख लो, बिना संघर्ष प्रेम नहीं मिलता।